आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है, आपको पता है पहले ही वो अपनी सबमरीन वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे, और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें, बल्कि इस मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, उन्होंने उसमें ये खास कर कहा कि 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से भारत से चांद तक का फासला बनता है। तो बेसिकली दे हैव अचीव्ड इट, ही हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स। भारत एक रीजनल सुपर पावर बन चुका है, लेकिन अब वो रीजनल सुपर पावर नहीं है, वो ओरिजिनल नई सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है वो इस तरीके से। बल्कि उसका कंपैरिजन ना अमेरिका से, बर्तानिया से, इनसे नहीं मिलता, क्योंकि उसकी वजह ये देखें, भारत की एज अभी 76 ईयर्स है, 1947 में आजाद हुआ है भारत, एक कंट्री बना है। बल्कि उनकी रेस को अगर देखना तो 1991 से देखें, पाकिस्तानी देखने वालों को कि खुदारा आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, नेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त आपका कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, इस वक्त वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ये है, इस वक्त टेस्ला का CFO भारतीय है, या 300 कंपनियां जिनके CEO जो है भारतीय है सबसे। और अगले जो परसों डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल, उसमें दो भारतीय नजात जो थे, एक निक्की हेली और विवेक रामास्वामी। मैं बल्कि विवेक रामास्वामी को तो मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज अ चंद्रयान 4। आप अगर देखें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट, एटलीस्ट आप 76 साल उनसे पीछे हैं। खुदारा आज कोशिश करें पाकिस्तान बनाए और इसके नए डायरेक्शन इसकी अपनी तय करें। ना टू नेशन थ्योरी है, ना माइनॉरिटी सेफ है। बल्कि अगले दिन उस क्रिश्चियन ने कहा कि अपने झंडे से सफेद रंग उतार दो। वो एक तो वो रंग अमन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। आपका झंडा दिखाए ना, फिर डिफाइन करें उसको। और लेकिन चौसर ये वही बातें क्रिश्चियन भाई ने मुझे ये भी बोला कि आपने जो डंडा दिया हुआ है झंडे के अंदर, वो भी सफेद रंग के अंदर ही दिया हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बोला है कि हमने चांद पे तिरंगा लहराकर दुनिया को एक मैसेज दिया है, इंडिया की कैपेबिलिटी के बारे में बताया है। तो सर क्या कहेंगे, दुनिया अब मान चुकी है इंडिया की कैपेबिलिटीज को? जाना है, ये 40 साल के बाद पहली दफा कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो ग्रीस गए हैं 83 में, और मोदी साहब का ये रिजल्ट जो है इस वेरी सिग्निफिकेंट। और जो चंद्रयान 3 के बारे में, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस वक्त नजर आ रही है कि $75 मिलियन के खर्चे पे उन्होंने, भारत ने ये अचीव किया है। उसका इम्पैक्ट क्या क्या उसके बाद इम्पैक्ट आए हैं इस वक्त, हाँ, भारत पे जो इम्पैक्ट आएंगे सबसे ज्यादा जो प्राइसलेस है वो उनका नेशनलिज्म है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरे इंडिया ने, जो इस वक्त 1.5 बिलियन लोगों ने टीवी के साथ जुड़ के भारत के नारे लगाए, भारत के झंडे लहराए, तो जो उनको नेशनलिज्म का जो खुराक दी है मोदी साहब ने, उसके असरात आने वाले 20 से 25 सालों तक वहां रहेंगे। आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है, आपको पता है पहले ही वो अपनी सबमरीन वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे, और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें। बल्कि इस मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, उन्होंने उसमें ये खास कर कहा कि 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से भारत से चांद तक का फासला बनता है। तो बेसिकली दे हैव अचीव्ड इट, ही हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स। जिसमें एक और बड़ी सबसे बड़ी बात है कि जो 7वें नंबर से 10वें नंबर पर इकॉनमी को 5वें नंबर पर लेकर आए हैं, और उसके बाद ये चंद्रयान 3 के बाद अब सोचा जा सकता है, मोदी साहब ने अगले दिन जो लाल किले पे खड़े होकर गारंटी दी थी कि ये मोदी की गारंटी है कि हम इसको अगले 5 सालों में भारत की इकॉनमी तीसरे नंबर पर ले आएंगे, तो उनकी गारंटी सच होती नजर आ रही है। क्योंकि इस पे ये जो चांद पे जो चंद्रयान 3 उतरा है, इससे पहले रशियन जो कि पहले चांद के ऊपर जा चुके हैं, उनका लूनर 3 जो था वो नाकाम हो चुका था। और $75 मिलियन में चांद पर जाना, उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्पेस ट्रेवलिंग सारी जो है पूरी दुनिया से भागकर इंडिया चली जाएगी। इस वक्त 2 कंपनियां जो हैं वो स्पेस के ऊपर कमर्शियल ट्रेवलिंग शुरू कर चुकी हैं, एक रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है और दूसरा जो टेस्ला वालों की कंपनी है, और वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। आगे कमर्शियल स्पेस ट्रेवलिंग जो होगी वो भारत से होगी, उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। और दूसरा इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत की जो ह्यूमन रिसोर्स है
जो उनके लोग डायस्पोरा दुनिया में जहां जहां काम करते हैं उनकी ना सिर्फ इज्जत बढ़ी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है कि जो उनकी एजुकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो वो लेकर आते हैं, दैट इज अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, एक तो उसको बूस्ट मिलेगी, भारत की जो प्रोडक्ट्स दुनिया में जा रही हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और जो मैंने पहला अर्ज किया है कि जो नेशनलिज्म की वेव एक आएगी वो भारत को खींच कर, मैं समझता हूं कि इट विल ब्रिंग वेरी नेक्स्ट टू द चाइना एंड यूएसए और अमेरिका में आपको पता है आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं इसका फायदा भी भारत उठा रहा है, और उसमें भी चंद्रयान का जो वहां लैंड करना है आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, नेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त आपका कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, आप बजाय अमेरिका और भारत भागने की बजाय आप इंडिया के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करें ऐसे। और सर बड़ी तादाद में अब लोग ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि भाई नो डाउट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के लिए, इंडिया की पब्लिक के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं, इंडिया को उन्होंने जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है, इंडिया के तिरंगे को पूरी दुनिया में एक नई और एक मतलब बावकार पहचान दी है। सर आपने अभी बात की इकॉनमी के हवाले से, आपने अभी बात की स्पेस स्टॉक के हवाले से, तो जब चंद्रयान 3 लैंड करने वाला था, क्योंकि पूरी दुनिया की तरह मेरी भी नजर थी चंद्रयान 3 की लैंडिंग पे, आप भी डेफिनेटली देख रहे होंगे, पूरी दुनिया एक्साइटेड थी, तो उससे कुछ ही मिनट पहले स्पेस स्टॉक की अगर बात करें 2.5 बिलियन का इजाफा हुआ था, और इतना बड़ा इजाफा अगर देखा जाए इसका मतलब है ट्रस्ट किया जा रहा था इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के ऊपर, इंडिया की टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिर चंद्रयान 3 के ऊपर। ऑफ कोर्स मैं समझता हूं कि इस वक्त इट्स अ बिग डे फॉर इंडिया, इट्स नॉट फॉर इंडिया, मैं तो समझता हूं। एक खासकर जो बात करना चाहूंगा कि चंद्रयान 3 ना कोई हिंदू ये था, ना उसका कोई मजहब सिख था, ना कोई वो मुसलमान था, भारतीय था, साउथ एशियन था। मैं समझता हूं कि हर साउथ एशियन को इस पे फख्र होना चाहिए, और खासकर इन ना सिर्फ इसने भारत को लिफ्ट किया है, पूरे साउथ एशिया को जिसमें हम भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, ईरान शामिल है, इनको अपलिफ्ट किया है कि वी आर एजुकेटेड पीपल हु कैन डिलीवर, तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से भारतीय जो है उनको इंडियंस को मुबारकबादें देनी चाहिए कि इट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि अब ये पॉसिबिलिटी हो चुकी है कि अगर इंडियन जा सकता है चंद्रयान 3 तो कल को हो सकता है पाकिस्तान का को भी ये भी जा सकता हो। आपके पास टैलेंट मौजूद है, आप जरा करप्शन से तवज्जो हटाएं तो यू कैन रीच टू द मून एज वेल। ऐसे ही है, और डेफिनेटली सर पाकिस्तान में किसी ने मिठाई बांटी है, खुशखबरी मतलब इस खुशी की खबर के ऊपर अप्रिशिएट किया इंडिया को या नहीं, लेकिन हमारे चैनल पे प्रॉपर बाजार में जाके सर मिठाई बांटी गई है, शायद आपने वो वीडियो देखी और बहुत ज्यादा मिलियन की तादाद में लोगों ने देखी है। सर अगर बात करें कि दुनिया की जो भी सुपर पावर होती है सबसे पहले उसे अपना लोहा मनवाना पड़ता है टेक्नोलॉजी में, चाहे हम अमेरिका की बात करें चाहे हम रशिया की बात करें, एक टाइम में टेक्नोलॉजी में पहले वो सुपर पावर बने, उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे खुद को उन्होंने सुपर पावर डिक्लेयर किया। क्या इंडिया भी सुपर पावर की दौड़ में टेक्नोलॉजी वाइज या इकोनॉमी वाइज नजर आ रहा है? आपको लगता है आने वाले टाइम में सुपर पावर मतलब जो टॉप 3 सुपर पावर्स होंगी उसमें इंडिया भी होगा? डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि पहले मैं जिस कई दफा मैंने कहा कि भारत एक रीजनल सुपर पावर बन चुका है, लेकिन अब वो रीजनल सुपर पावर नहीं है, वो ओरिजिनल नई सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है वो इस तरीके से, बल्कि उसका कंपैरिजन ना अमेरिका से, बरतानिया से, इनसे नहीं मिलता, क्योंकि उसकी वजह ये देखें भारत की एज अभी 76 ईयर्स है, 1947 में आजाद हुआ है भारत, एक कंट्री बना है, बल्कि उनकी रेस को अगर देखना तो 1991 से देखें, वहां पे जो उनका मुआशी रेवोल्यूशन था वो 1991 से शुरू हुआ है, 1991 से लेकर आज चंद्रयान 3 तक आना, मेरे ख्याल में इट्स रिमार्केबल। ये ना सिर्फ आपको पढ़ना चाहिए, पूरी दुनिया पढ़ेगी इसको फ्यूचर में, और मोदी जी ने खासकर जिस तरीके से बूस्ट दिया है नेशनलिज्म को, इसको भी बड़े अरसे तक लोग जो है पोलिटिकल साइंस के स्कूलों में पढ़ते रहेंगे, और बिलखसूस उसमें यहां यह भी बताना चाहूं कि मोदी जी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट नहीं है, मोदी जी कैम्ब्रिज ग्रेजुएट नहीं है, हमारे जो शहजादे मुगल शहजादे आते हैं वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं, वो तो गुलामाना सोच लेकर आते हैं। एक चाय वाले के बच्चे ने अगर कंट्री को चंद्रयान 3 पे चांद पर ले गया है
सोचने का ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानियों के लिए और सारे साउथ एशियंस के लिए, और उनको बजाय इसको के नफरतों में जाके अपनी अकल के दरवाजे बंद कर दें, ठंडे दिल से जरा सोचें और कोशिश करें कि अगर वहां हो सकता है तो यहां भी हो सकता है, और आप क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान में। सबसे बड़ी वजह यह है, आज आपके हालात इतने खराब क्यों हैं, आपकी अदालतें सियासी क्यों हो चुकी हैं, आपका कोई डिपार्टमेंट नहीं चल रहा, आपका रेलवे PIA क्यों खत्म हो रहा है, आपकी स्टील मिल क्यों बंद पड़ी है। आज सोचना होगा 25 करोड़ लोगों को, और मेरे ख्याल में इस वक्त आपको चंद्रयान 3 को सेलिब्रेट करना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि 25 करोड़ लोग देखें कि अगर हम भी अच्छे रास्ते पर चलेंगे वी कैन अचीव थिंग्स एज वेल। लेकिन आप नफरतों में जाके चंद्रयान 3 को हिंदू कह के बंद कर देते हैं दरवाजा, ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज अपने अकल की दरवाजे खोलें, बंद दिमाग काम नहीं करता, आप नफरत में इतना आगे ना जाएं। सर जब पूरी दुनिया में इस टाइम मून वॉक की बात हो रही है, जो चंद्रयान 3 वहां पे गया, वहां से वो फुटेज प्रॉपर जो है वो इसरो को भेजा और पूरी दुनिया में वो वायरल हो रही है, अभी 30 सेकंड का क्लिप भेजा गया जो वायरल हुआ, पूरी दुनिया में मून वॉक की बात हो रही है, जबकि पाकिस्तान में भी वॉक तो हो रही है लेकिन गुरबत से तंग आकर रोड के ऊपर लोग वॉक करने पे मजबूर हैं, एहतजाज करने पे मजबूर हैं। शायद आपने खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट किया गया है इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल हैं उनमें इजाफी टैक्स को लेके, और ओवरऑल यानी आज हम रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं, वो मून वॉक की बात कर रहे हैं, वो मिशन चंद्रयान की बात कर रहे हैं, मिशन ओशन की बात कर रहे हैं, और आदित्य L की बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका, मैंने जिस तरह कहा कि आपका बेसिक, आपका डायग्नोस्टिक जो है वो नेशनलिज्म का ना होना। फिर उसके बाद आप अभी तक आजाद नहीं हुए, आप अभी तक ब्रिटिश कॉलोनी है, आपके आपके जो या ये लोकल ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी आपको खराब कर रही है, या फिर इलेक्टेबल आपको खराब कर रहे हैं जो पार्टियां चेंज कर करके अपने फिर असेंबली पहुंच जाते हैं। आपको इनसे आजादी हासिल करनी होगी। आपकी तीनों जो सियासी पार्टियां वो सियासी नहीं है, आप तो आपको पहले इनसे जान छुड़ानी होगी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह वो कहा जाता है कि सोच बदलो पाकिस्तान बदलो, आप हर बच्चे के हाथ में एक स्मार्टफोन मौजूद है, कंप्यूटर उसके हाथ में है, खुदा रहा ये टिकटॉक और सारे ट्वीट की जान छोड़कर वहां उस पर तजारत करना सीखें, उससे इंग्लिश सीखें, मैथ सीखें, उस पर जिहाद के सबक ना ले, आप उसके ऊपर इस्लामी टीके ना लगाएं इस चीजों को, और अगर समझना भी है तो इस्लाम की असल वर्जन समझने की कोशिश करें, इस्लामिक फिलॉसफी पे तवज्जो दें, रिचुअल पे। देखिए किस खूबसूरती से हमारा एक लीडर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट टाइप, प्ले बॉय टाइप आया है, आज वो मुर्शिद बन चुका है। तो खुदारा इस ट्रैक पर ना चले, तरक्की की तरफ चले, तिजारत की तरफ चले। इधर तो मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में सर आया है, क्योंकि आपने बात की कि 1991 से लेके इंडिया में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, तो सर तब पाकिस्तान में कौन सी रेवोल्यूशन हो रही थी, जब वहां पे एजुकेशन के हवाले से, वहां पे IIT के हवाले से काम हो रहा था, पाकिस्तान में किस हवाले से रेवोल्यूशन आ रही थी? आज से कुछ अर्सा पहले चला जाए तो आप अफगानिस्तान से पैसे डॉलर बनाने के चक्कर में थे, उस वक्त आपके कुछ लोग जो थे पाकिस्तान में अफगान आपको जिहाद के टीके लगा रहे थे वो, और उस वक्त वो अफगानिस्तान और अमेरिका से पैसे ले लेकर तो दुबई में और लंदन में और टोरंटो में अपने बच्चों की प्रॉपर्टियां बना रहे थे। और मैं और बिल्कुल मैं समझता हूँ, देखें आज भी उस वक्त नरसिम्हा राव, मरारजी देसाई, मनमोहन सिंह वो कहाँ है, वो आज भी भारत में बैठे हैं, वो भाग कर लंदन नहीं गए। आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कहाँ है आप, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं गॉन टू लंदन, अभी हफ्ता हुआ है उन्हें गवर्नमेंट से निकलने, वो लंदन पहुंच चुके हैं पहले, क्योंकि लंदन से नहीं निकलेंगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारत के सारे वजीर आजम, उनके सारे रिटायर्ड जज, उनकी सारी रिटायर्ड एस्टेब्लिशमेंट, उनके सारे फौजी जनरल सारे भारत में रहते। आपके मैंने बड़ी अच्छी मिसाल दी, शहबाज शरीफ साहब ने एक हफ्ता नहीं निकाला प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकल के, फौरन अपने असली घर पहुंच गए जहां से वो आए थे, अपने आकाओं के पास पहुंच चुके हैं। तो ये आपको ये सोच बदलनी पड़ेगी, सोच बदलोगे तो पाकिस्तान बदलेगा, वरना आपको ये जो आपके मुगल शहजादे ब्रिटिश एजेंट है इनसे जान छुड़ानी होगी। हर एक को पता है कि आपको लूटने वाले कौन है, तो खुदारा इनकी जान छोड़कर अपनी जात पर तवज्जो दें, अपने बच्चों को इंग्लिश और मैथ सिखाएं। ये जो आप उनको उर्दू की ट्वीटें कराते हैं, टिकटॉक पे बच्चियां सारा दिन जो कुछ करती है, इससे तरक्की नहीं कर पाएंगे आप। ट्विटर से खाना नहीं मिलता, खुदारा को टेक्नोलॉजी सीखें,
अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करने के बारे में कुछ सोचे। एहतजाज से भी कुछ नहीं होगा, उसकी वजह यह है, ये एहतजाज जो आप कर रहे हैं आपकी बिजली और पेट्रोल के पैसे इकट्ठे करके वो आईएमएफ को दे रहे हैं और आईएमएफ उनको डॉलर देता है जिससे लंदन और टोरंटो की प्रॉपर्टियां बनती हैं। आपको इनसे तवज्जो हटानी पड़ेगी, अपनी जात पर तवज्जो दें कि आप खुद क्या है, आप खुद क्या है। आपको जो ये जो लोग सड़कों पर निकालते हैं, जलीलो ख्वार करते हैं, इनके बच्चा भी कभी इनके साथ हुआ है? आपके साथ जेलों में इनके बच्चे जाते हैं, आपके साथ भूख इनके कभी इनसे क्वेश्चन करें? सर जी आप मुझे तो कह रहे हैं सड़क पे आओ गोली खाओ, आपका बच्चा किधर है? कासम साहब किधर है आज? किधर आप पूछे शिबाज शरीफ साहब आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा लंदन से वापस? आप मुझे तो कह रहे हैं सड़कों पे निकले, आप मुझे तो कहते हैं कुर्बानी दे, आप क्यों लाद कुर्बानी क्यों नहीं देती? ये क्वेश्चन पूछे उनसे, क्यों नहीं पूछते आप? बिल्कुल। और जब अब हम जब सवाल पूछने लगे हैं तो पाकिस्तान के बहुत से मीडिया चैनल्स पे बहुत से पॉलिटिशियंस जो उनसे हमारे बारे में बात भी करने लगे हैं, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे गलत हो रहा है वहां पे हम जाएंगे, चाहे वो जड़ावाला हो, चाहे वो कराची हो, चाहे कश्मीर हो, जहां पे हमें गलत लगेगा जाएंगे, आवाज जरूर उठाएंगे। सर इंडिया की इस कामयाबी को लेकर टेक्नोलॉजी में हो, इकॉनमी में हो, यूरोप क्या मतलब हमें जो फील हो रहा है कि जो यूरोप शायद थोड़ी जेलसी फील कर रहा है या थोड़ी घबराहट फील कर रहा है या थोड़ी परेशानी फील कर रहा है कि इंडिया जितनी तेजी से आगे जा रहा है, क्या मेरी ये ऑब्जर्वेशन या जो जर्नलिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे ये बात कर रहे हैं ठीक है या गलत है? आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त अगर देखा जाए अमेरिका और जो यूरोप है इनके सर के ऊपर इस वक्त चाइना का भूत सवार है, और दूसरी चीज इनको सबसे बड़ा खतरा जो नजर आ रहा है जो रशिया और चाइना का अलायंस आपस में है। आपने देख लिया होगा यूक्रेन जंग में क्या हो रहा है, इस वक्त दो तीन चीजें हो रही हैं। यूक्रेन की वजह से यूरोप कांप रहा है और रशिया से ये तेल लेते थे और दूसरी एनर्जी गैसेस लेते थे, इनको अपनी सर्दियां सर्द नजर आ रही है, एक चीज। दूसरा अमेरिका जो है इनको पता चल चुका है कि चाइना बहुत ज्यादा आगे जा चुका है और इन्होंने भारत के साथ अलायंस बनाने की कोशिश की है। भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट गेम, ही इज नॉट गिविंग देम व्हाट द 100% व्हाट दे आर एस्किंग फॉर। अब जो बिलखसूस भारत के चंद्रयान पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनको सोचना होगा, बल्कि सबसे सोचना क्या है, ये पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अगला जो राइज है भारत का इट इज नॉट स्टॉपेबल। वो किस तरीके से है मैं बताना चाहूंगा। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ये है, इस वक्त टेस्ला का सीएफओ भारतीय है, या 300 कंपनियां जिनके सीईओ जो है भारतीय है सबसे, और अगले जो परसों डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल उसमें दो भारतीय नजाद जो थे, एक निक्की हेली और विवेक रामास्वामी। मैं बल्कि विवेक रामास्वामी को तो मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज अ चंद्रयान फोर, उसको अब ये किस तरह रोक सकेंगे? ये तो अच्छा ऋषि सोनक पहले बर्तानिया को टेक ओवर कर चुका है ऑलमोस्ट, देखें उसके बारे में, इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। अब यहाँ पे दूसरा बच्चा है विवेक रामास्वामी, अब ही इज नॉन स्टॉपेबल, इज 38 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहे हैं विवेक सर, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। इनको ओरिजिनली दे आर डन, दे आर ओवर विद इट, क्योंकि इनके अपने बच्चे सारे नशों में बिजी है तो इनको चलाएंगे अब। और दूसरा मोदी साहब यहाँ आगे इनको बता गए थे कि वो विल बिल्ड द टनल ऑफ टैलेंट, और टैलेंट ऑफ टनल तो बिल्ड हो चुकी है, 20 यूनिवर्सिटियों से लाख करके स्टूडेंट यहाँ आएंगे, और मोदी साहब ने उनसे डील बनाई थी कि जहां पे जो स्टूडेंट आएगा वो 3 साल का वर्क परमिट उसको मिलेगा, यही रहेगा। दर हकीकत अब वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि नाउ द वे द इंडियंस, देखें ये बात होता है जब आपने डायस्पोरा को प्रमोट करें, मोदी जी ग्रीस में एक दिन के लिए गए हैं और वहां भी अपना डायस्पोरा प्रमोट करके आए हैं, इमिग्रेशन की स्किल्ड इमिग्रेशन की डील उनसे करके आए हैं कि हमारे पढ़े लिखे लोग आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपके कंट्री को भी टेक ओवर करेंगे। तो ये होता ये है कि जब आपके लोग ब्रिटिश एजेंट ना हो, आपके ब्रिटिश एजेंट जाते हैं अपने बच्चों की बात करते हैं, वो आपके बच्चों की कौम के बच्चों की बात नहीं करते, क्योंकि अपने बच्चे सबके लंदन और टोरंटो में पढ़ रहे हैं। आपकी एजुकेशन पॉलिसी फेल क्यों है? क्योंकि उसमें सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ता है, और जब वो बच्चा गरीब का बच्चा पढ़ के सीएसएस करके एसपी बनता है वो अपने आप को गरीब नहीं समझता, वो ब्रिटिश एजेंट बन जाता है, क्योंकि जिस सिस्टम की वजह से वो यूनिफॉर्म पहनता है या कमिश्नर बनता है वो सिस्टम ब्रिटेन का क्रिएटेड है, वो समझता है कि मैं ब्रिटिश हूं अब मैं पाकिस्तानी नहीं रहा। यही आपकी ट्रेजेडी है, आपको मार दे रहे हैं सिर्फ ब्रिटिश एजेंट। कुछ ब्रिटिश एजेंट लंदन से जाते हैं जिस तरह नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, कुछ लोग वहीं रहते हैं जो इलेक्टेबल हैं, कुछ नए आप पैदा कर रहे हैं सीएसएस कर कर। तो ये आपके जो 10,000 ब्रिटिश एजेंट है आपको ये मार रहे हैं और आप इनके गुलाम हैं। जब तक आप इनके सामने खड़े नहीं होंगे अपने हकूक के लिए ये आपको इजाजत नहीं देंगे। इस वक्त आपको मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा,
इसमें आप जिस तरह 70, आप मेरे ख्याल में एटलीस्ट 76 साल इंडिया से पीछे हैं। 76 साल हो चुके हैं आजादी को, एक तो आप अभी तक आजाद नहीं है, और दूसरा आप अगर देखें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट, एटलीस्ट आप 76 साल उनसे पीछे हैं। खुदारा आज कोशिश करें पाकिस्तान बनाए और इसके नए डायरेक्शंस इसकी अपनी तय करें, आप अभी तक सर, आजाद नहीं है। अगर 76 साल पीछे हैं तो इसका मतलब अभी तो हम वहीं पे खड़े हैं जहां पे हमने स्टार्ट किया था। फिर तो अगर आपने दूसरे बल्कि से देखा जाए भी तो हम वहीं पे खड़े हैं। 76 साल चॉइस ऑफ पीछे नहीं, मतलब वहीं पे खड़े हैं। वही खड़े आपको चॉइस ऑफ आज लोगों को बताना होगा। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप पाकिस्तान की जो इन्होंने टू नेशन थ्योरी दी थी, क्या वो थ्योरी आप उस पर काम कर रहे हैं? क्या जो ख्वाब आपने दिखाए थे इन लोगों को, मुहाजरीन को, आपने वो ख्वाब पूरे किए हैं? आपने इधर से हिंदुओं सिखों को मार मार के निकाला है, क्यों निकाला था? सर बल्कि आप वो जस्टिफाई कर रहे हैं हमको, सारी चीजें? मैं नहीं, आपको ये देखिए दो बताना चीजें, चाहूंगा, मैं ये बताना चाहूंगा कि हम जड़ावाला गए, वहां पे एसपी सिंगा साहब आप जानते होंगे, जिन्होंने पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में साइन किया था, बड़ा रोल था, उनके नवासे हमें मिले और वो रो रहे थे और वो कह रहे थे कि ये वही पाकिस्तान है जिसे मेरे दादा ने, परदादा ने जिस तरीके से हम मतलब पंजाब को इसका हिस्सा बनाया, पाकिस्तान का हिस्सा बनाया, और उनका ये कहना था, आज मैं पछता रहा हूं कि मेरे परदादा ने, मेरे बड़ों ने जो पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। ये एग्जैक्ट उनकी स्टेटमेंट है, ये रिकॉर्ड हो चुकी है, और मतलब ये है कि मैं ये स्टेटमेंट सुन के बहुत दुखी हुआ। आज हमारे यहाँ पे यूनिटी की बजाय यहाँ पे बात हो रही है सिंधी बलोच पंजाबी की, पठान की बात हो रही है, और दूसरी साइड पे वो तेजी से नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, मुहिब्बे वतनी की तरफ इंडिया वाले जा रहे हैं। चॉइस साहब आप कहते हैं छह उन्होंने चर्चों को जलाया, जाति की, सख्त जाति की, लेकिन ये मस्जिदों को बख्श रहे हैं, अपनी मस्जिदों में भी तो बम मार रहे हैं। आज मुझे ये बताएं, आपके सारे सारे जज सियासी, सारे जज सियासी, पीटीआई, नून लीग के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आता। रिजवाना का कुछ किया है इन्होंने? आज जो असद शाह के, वो बच्ची 10 साल की जो उसका पीर था, उसने उसको रेप करके मारा है, ऐसे ही उसके लिए 100 मिनटों ले रहा है एक्शन जज कोई? और सर उसके ऊपर तो प्रॉपर स्टेटमेंट आई है कच्चे के डाकुओं की कि वो शाह जी के बारे में जो बात करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मतलब पाकिस्तान में जंगल का कानून लग